ऐसे में दोनों बच्चों के बीच में बहुत गहरा संबंध बनता है, गहरा बॉन्ड हो जाता है। कई कमेंट्स दोस्तों मुझे उन महिलाओं के आते हैं जो कि पहली बार माँ बन चुकी होती हैं, दोबारा माँ बनने की इच्छा रखती हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच कितना अंतर होना चाहिए, कितना गैप बच्चों में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है पहली प्रेगनेंसी के बाद, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो आप दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं। कई लोग दो बच्चों की चाह रखते हैं और फैमिली का प्रेशर भी होता है, तो अगर आप भी इच्छित हैं तो सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है, तभी आपको दूसरे बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। तो ये तो आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप दूसरा बच्चा करना चाहती हैं या नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो इनके बीच में कितना गैप आखिर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले के बाद दोबारा से माँ बनने में बिल्कुल भी गैप नहीं दे रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गैप आपका हो गया है, तो कितना आखिर गैप होना चाहिए यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जानने के लिए दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर अगर आप लोग मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले और दूसरे बच्चे के बीच में अगर 12 से लेकर 18 महीने का गैप होता है, तो ऐसे में दोनों बच्चों के बीच में बहुत गहरा संबंध बनता है, गहरा बॉन्ड हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि आपको कम से कम 18 महीने के बाद ही दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस दौरान तक, यानी कि पूरे 1.5 साल तक, आप जो है वो फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं दोबारा से माँ बनने के लिए। प्रेगनेंसी चाहे आपकी पहले नॉर्मल हुई हो या सी सेक्शन से हुई हो, दोस्तों देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, आपके शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं, आप डिलीवरी से गुजरती है, लेबर पेन से गुजरती है, ऑपरेशन अगर आपका हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी सेहत को कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है, आपका शरीर जो है इससे कमजोर हो जाता है। तो आपके शरीर को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए एटलीस्ट कुछ टाइम चाहिए होता है, तो यही टाइम जो होता है वो लगभग 1.5 साल का होता है। इसके अलावा अगर आप कम अंतर रखती हैं बच्चों में, तो ऐसे में प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का और बच्चे का वजन ठीक से ना बढ़ने का खतरा भी बन जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों तो पहले और दूसरे बच्चे के बीच में लगभग 2 साल का गैप होना चाहिए, ताकि माँ और दूसरा आने वाला जो शिशु है उसकी सेहत अच्छी रहे। अगर आप 3 साल का गैप अपने बच्चों के बीच में रखती हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आप पहले बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, तो 2 साल तक एटलीस्ट आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, उसके बाद 1 साल अपनी केयर अच्छे से करिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने पर भी आप काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो अपने आप को पहले स्ट्रांग कर लीजिए, हेल्दी कर लीजिए, उसके बाद आप 1 साल बाद जो है दूसरे बच्चे के बारे में सोचिए। तब तक आपका जो पहला बच्चा होता है वो भी समझदार हो चुका होता है, और आप पहले और दूसरे बच्चे दोनों के केयर अच्छे से कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप पहले और दूसरे बच्चे के बीच में लगभग 24 महीने यानी कि 2 साल का गैप एटलीस्ट जरूर रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, होने वाले शिशु को कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप दोस्तों अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।